आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिवान हाईवे स्थित वरई पट्टी गांव के घर के पास खेल रहे एक मासूम बच्चे को बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं मौके पर मौजूद जब उसकी 5 वर्षीय बहन रोती हुई शोर मचाई, उसके बाद उसकी मां मौके पर पहुंची, तब तक अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर फरार हो चुके थे। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर बच्चे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। अपहृत बच्चे की पहचान बबलू कुमार के 1 वर्षीय बेटा ऋषभ कुमार के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी पट्टी गांव निवासी बबलू कुमार के 1 वर्षीय बेटा ऋषभ अपनी बहन के साथ घर के पास खेल रहा था, तभी सिवान की तरफ से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने बच्चे को अगवा कर मीरगंज की तरफ से भाग निकले। इस संदर्भ में बच्चे की मां सुनीता देवी ने बताया कि मेरी 5 वर्षीय बेटी द्वारा शोर मचाने के बाद जब पहुंची तब बदमाश भाग निकले थे। डायल 112 की टीम को दी गई, साथ ही मीरगंज थाना को भी सूचना दिया गया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गोपालगंज सिवान NH 531 को बांस बली लगाकर जाम कर दिया और टायर जलाकर NH को बाधित कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। सड़क पर जाम के कारण बरीपट्टी मोड़ से जिगना तक जाम लगा रहा। घटना की सूचना मिलते ही हथुआ SDM अभिषेक कुमार चंदन और SDPO आनंद मोहन गुप्ता पुलिस बल के साथ पहुंची और किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की जानकारी ली तथा आसपास लगे CCTV को खंगालने में का भी आदेश दिया। मौके पर मौजूद मीरगंज थानाध्यक्ष किशोरी चौधरी अपनी टीम के साथ बच्चे की गुमशुदगी होने की जांच पड़ताल शुरू कर दी। SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और हाईवे पर सभी CCTV कैमरा को बारीकी से जांच किया जा रहा है। फिलहाल दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। मामले में SP स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि मामले का उद्भेदन के लिए हथुआ SDPO के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। दुगो मोटरसाइकिल से लान से ने उतर के छोड़ी से कहत सरकार है को के ऊपर के लेके भाग लान से केने का हो केने ले गए लान से नीर गंज के ले गए लान से ओकर माई जा के चिल्ला के हमने चल को के लिए पुलिस का सूचना दियाई ल पुलिस का सूचना दियाई ल 112 गए ना आई ल क्या हमन का काम रे बाबू के खोज के लिए दिल्ली से 1 साल का लड़का रहला खेलत रहला हमार नाती लगी आई हलो 2 आदमी मोटरसाइकिल से उठा के लगे चल गई हलो 112 पर फोन भइल हा 112 ना आई हा 112 बड़े पट्टी रहला तो मोटरसाइकिल से जाके बोला के ले आई हलो। तू कहता कि घटना हम ना ले ओकरा बाद थाना आई हा तो थाना कहता कि हाँ जा छोता हमने के थाना पर गई नहीं आसान वो जो बड़े बाबू नहीं खन बड़े बाबू हमने के सुनला हन कि आओ तलो तो ना पता हो गई थाना पर बड़े बाबू नहीं खन ना बाइक वाला क्या केहू देख ले नहीं के एगो 6 साल के लड़की खेलाओ तलसिया का चाहता ने यही प्रशासन से कि हमार नाती के खोज के लिए लोग जितना जल्दी हो के उतना जल्दी SP साहब के बुला ले बनी हम SP साहब आए आ ये निरियल ले। मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी पट्टी के पास शुक्रवार की शाम में 1 साल के बच्चे का मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। इस मामले में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, जिसको लेकर गोपालगंज पुलिस के द्वारा अनुसंधान करते हुए CCTV तस्वीर जारी किया गया है, जिसमें 2 बच्चा मोटरसाइकिल से जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने इसकी पहचान बताने वाले को 2500 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। अब इस मामले में SP द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। भोरे में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सह इंटर कॉलेज कुड़वाडी में शनिवार को रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य विकास कुमार मौर्य ने किया। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने मनमोहक राखियां बनाकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विकास कुमार मौर्य ने छात्राओं को रक्षाबंधन पर्व का महत्व बताया गया।
और ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ता को मजबूत बनाता है। प्रतियोगिता में छात्राओं की रचनात्मकता को रिभा कुमारी, शिक्षक विकास कुमार कुशवाहा, विजय कुमार एवं अंबिकेश तिवारी द्वारा परखा गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षक गण भी मौजूद रहे। जिले के सिधौलिया थाना क्षेत्र के दंगसी मठ के मठाधीश महंत सत्यदेव दास पर एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास और उसकी परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला और उसके पति तथा बच्चों का फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला के अनुसार सुबह 4:30 बजे वह अपने बथान जा रही थी, जब महंत सत्यदेव दास ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो सत्यदेव दास ने अपने गुंडों को बुला लिया। आरोप है कि इन गुंडों ने महिला और उसके परिवार पर हमला किया, जिसमें महिला और उसके परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला के पति का मोबाइल भी छीन लिया गया है। झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि सत्यदेव दास को ट्रस्ट बोर्ड ने हटा दिया था, जिससे वो नाराज थे। इस मामले में पुलिस ने महिला के आवेदन पर जाँच शुरू कर दी है। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट, नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा, कमला राय कॉलेज रोड नियर होटल रालसन गोपालगंज। सीवान जिले का UP और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं, रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शिशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन, मेडिकेयर हॉस्पिटल स्थान, थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। विजयपुर थाने की लापरवाही के कारण पीड़ित को न्याय से वंचित होना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि विजयपुर मार्डनपुर गांव के निवासी गुरुचंद गुप्ता की खतियानी जमीन को राम नरेश शाह के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित जनता दरबार के सभी कार्रवाई के पश्चात विगत 3/8/2024 को विजयपुर थाने में आवेदन देता है सभी साक्ष्यों के संग प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। पीड़ित के आवेदन की पावती रसीद मिल जाता है और न ही आरोपी राम नरेश शाह पर पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए गुरुचंद के बड़े पापा न्याय की आस में इस दुनिया से चल बसे, क्योंकि गुरुचंद के पूर्व भी वो भी थाने में फरियाद लेकर गए थे, लेकिन अंधी कानून और व्यापक भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक हुए और इस दुनिया से चले पड़े।
तब से लेकर आज तक गुरुचंद गुप्ता अपने बड़े पापा को न्याय दिलाने के लिए थाना के चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं करा पाए। बाजार में सब्जी बेचकर पेट पालने वाले गुरुचंद गुप्ता को थाने से बुलावा आता है, कभी नया आवेदन देने के लिए तो कभी आवेदन पत्र पर मोबाइल नंबर अंकित करने के नाम पर, तो कभी मेल आईडी अंकित करने के लिए चार चार घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि खुद डीजीपी भट्टी साहब कहती हैं, अगर बिहार के थाने में पीड़ित को 20 मिनट बैठाने पर नपेंगे थाना प्रभारी, लेकिन विजयपुर के थाना प्रभारी 20 मिनट क्या, 20 घंटा 36 घंटा फरियादी को बैठा देते हैं। गुरुचंद्र का तो मात्र 15वां दिन है। सभी उपयुक्त साक्ष्यों के साथ गुरुचंद को विजयपुर थाना प्रभारी द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जो बहुत शर्मनाक है। सदन कहते हैं कि विजयपुर थाना क्षेत्र में अनेकों जमीनी विवाद में जानी जा चुकी है, चाहे अटल हत्याकांड हो या भोला मिश्रा हो या शर्मानंद विश्वकर्मा, सबके पीछे प्रशासनिक उदासीनता का ही देन है। पीड़ित गुरुचंद गुप्ता के अनुसार फर्जी दस्तावेज की सारी जमीन हथियाना राम नरेश शाह की पुरानी रिकॉर्ड है, इसके पूर्व भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है और सजा काट चुका है। फरियादी के फरियाद पर निर्धारित समय पर अगर विचार करके न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए तो जमीनी विवाद में कमी आएगी, या डीजीपी भट्टी साहब के आदेश को ठेंगा दिखाकर लोगों को शोषण किया जाता रहेगा। हालांकि विजयपुर की तमाम घटनाओं से पुलिस को सबक लेना चाहिए और लोगों को न्याय दिलाने का सार्थक प्रयास करनी चाहिए, वो भी जनता के हित में। कटिया थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के वैंसिया मोड़ के समीप वाहन जांच के दौरान एक कार एवं बाइक से डिक्की से भारी मात्रा में शराब बरामद करने के साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जब दो पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि पुलिस पदाधिकारी गीता बिहारी पुलिस बल के साथ पंचद्री पिकेट से थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी, तभी गुप्त सूचना मिला कि एक कार से भारी मात्रा में शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैंसिया मोड़ के समीप वाहनों की जांच शुरू कर दी, तभी एक कार आता दिखाई दिया जिसमें दो लोग सवार थे। पुलिस को देखकर कार का चालक गाड़ी तेजी से भागने लगा, पुलिस ने पीछा कर कार से चालक को घेर लिया, जबकि उसमें सवार एक व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसी दौरान एक बाइक सवार आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देख बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बरामद कार की तलाशी ली तो 169.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया और बाइक की डिक्की की तलाशी ली गई तो 5 लीटर देसी शराब के साथ बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद शराब एवं बाइक को जब्त करने के साथ ही घेराव किए गए युवक को गिरफ्तार कर थाने लाई और भागे हुए तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने की। बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव अनुप कुमार उपाध्याय द्वारा किया गया था। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़े सुलहनीय मामलों की पहचान करने और उनके पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस मामलों में पक्षकारों के बीच पहले से ही बातचीत कर समझौता करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अपने कार्यालयों में बैनर लगाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, जिला परिषद, महिला हेल्पलाइन आदि के अधिकार भी मौजूद थे। डॉक्टर मोमिता दियोनाथ के इंसाफ के लिए पश्चिमी चंपारण के डॉक्टर सड़क पर उतरे। एकजुट डॉक्टर ने बोला कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे एवं सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। डॉक्टर मोमिता दियोनाथ के रेप का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब हर जिले की डॉक्टर रोड पर उतरने लगे हैं। इस बीच पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के इंसाफ के लिए दर्जनों डॉक्टर रोड पर उतरे एवं बलात्कारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग किया। एकजुट डॉक्टर ने बोला कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे एवं सड़क पर उतर कर चक्का जाम करेंगे। वहीं डॉक्टर शाहनवाज हुसैन ने बताया कि आयुष के सभी सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर मोमिता देवनाथ के इंसाफ के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक मोमिता देवनाथ को इंसाफ न मिले। अगर इस पर सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग पूर्ण रूप से अस्पताल को बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर डॉक्टर इकराम, मजबूल रहमान, इस्तकार अहमद, वाहिद इकबाल, सुमित, राजेश, अमीर हसन, जावेद, मिनहाद आदि दर्जन से अधिक डॉक्टर मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।